मॉर्निंग मैम। कैसे हैं? कहाँ है बिटिया रानी हमारी? अरे सो रही है मैं मालूम यार एक बैड दिन लक, उस दिन वो जाग रही थी उठ ना। गए थे। हाँ हाँ उस दिन मैं तो ना किसी और पापा मुझसे विंडो में बोल रहे चली थे कि गई, मुझे भी स्कूल जाना है, मैम आ गए मैं किसी और विंडो में चली गई, फिर पेरेंट्स ने फोन किया कि मैडम हम वेट कर रहे हैं और आप लोग दिख नहीं रहे हैं आप, तो फिर दोबारा से रीओपन हाँ किया, तब फिर जा पाई हाँ नहीं मैं। हमने बोला ना मैम से बात की, आपके फ्रेंड भी आए तो उसको ऐसा लगा कि स्कूल में आए, मुझे स्कूल क्यों नहीं अच्छा बुलाया, मैम ने मेरे को भी जाना है, पापा मुझे भी ले जाओ ओके हाँ हाँ, चेता सर भी आए ना, बोले हम लोग ने 10 मिनट तक वेट किया, फिर उसके बाद में हम बाहर हो गए। उनके टाइम हो जाता ना फ्री अभी सो रही है? हाँ अभी सो रही है मैम वो। हाँ चलिए कोई बात क्यों रात को लेट सोती है तो फिर सुबह लेट नहीं। उठती है वो। हाँ, लेकिन है बड़ी क्यूट सी, बिल्कुल नाजुक सी। हाँ नहीं बहुत क्वेश्चन करती है मैम अच्छा हाँ बहुत करती। पापा जाते हैं तो वायरस आया हुआ है तो आप क्यों जा रहे हो, मेरे को बाहर नहीं जाने देते हो तो आप क्यों जाते हो, ओहो, रोटी पकड़ाने लाते हैं तो आप सब्जी दूध क्यों लेते हो मम्मा, बहुत अच्छा क्वेश्चन करती। हाँ बहुत क्वेश्चन, मोदी जी इस को एज में मैं रहती बोलूंगी है, इस एज में बहुत क्वेरी रहती है बच्चों के, हाँ क्योंकि बहुत सब चीज उनके करती लिए न्यू है ना। हाँ मोदी जी के नंबर मांगती है वो, मेरे को नंबर दे दो मैं उनसे बोलूंगी कि मेरे स्कूल लगा दो आप बहुत क्वेश्चन करती है मम्मा आप दूध मत लो आप सब्जी मत लो ना ऐसा अच्छा करते क्या बात है। और वीडियो हाँ बहुत क्वेश्चन करती है। वगैरह देख रही है? इंटरेस्ट ले रही है वीडियो वगैरह में? गलती हाँ हाँ देख रही है वो से देख लेती होगी हिंदी में कभी कभी। कैसे लग हाँ हिंदी कविता तो उसको मैं बुक में जितनी थी ना सब कर ली उसने, दिन भर बोलती मेरी बिल्ली काली पीली दिन भर अच्छा चलता है उसका। हाँ इंग्लिश में जरूर अभी अभी दो आती है उसको। हाँ, अभी कल भी एक वीडियो भेजा है, अगर रात में भेजा है देखा होगा तो, बादल अच्छा वाला, हाँ उसको दिखाइएगा, उसमें अच्छा बादल की कविता है। हाँ हाँ तो उसमें मजा आएगा बच्चों को। हाँ हाँ इंग्लिश में मैं अभी दो आती है तो और भी करवाना है, क्या बोला इंग्लिश आपने में अभी मुझसे दो ही कुछ आती है, पूछा? इंग्लिश में मैं अभी उसको दो ही आती है पोएम वगैरह ये। हाँ मैम बस अब राइम्स का टाइम शुरू हो गया है, डेली एक राइम्स आएगी आपके पास में है ना, अच्छा तो उसकी चार चार पांच पांच लाइनें धीरे 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 याद कराते रहिएगा। हाँ और नहीं हम छोटी छोटी इजी इजी करवा रहे हैं उसको अभी, वो एक एलकेजी के वाली लिए दो जितनी करवा भी दी छोटी है, एलकेजी के लिए जो छोटी वाली वो एलकेजी के लिए ही हाँ नहीं तो वो अभी केक वाली है अभी बॉडी पार्ट नेम वाली है वो ही करवा रहे हैं हम उसको। है। हाँ एलकेजी के लिए छोटी वाली है, और जो लंबी है जिनमें हाँ तीन तीन स्टैंजा, वो यूकेजी वालों के लिए है। अब क्या होता था अच्छा कि जब बच्चे यहाँ आते तो हम एक एक स्टैंजा उनको एक एक दो दो वीक चला के याद करा देते थे, तो अभी आप ज्यादा परेशान मत होइएगा, जो आसानी से उसको याद हो जाए, और फोर्स भी नहीं हाँ नहीं करना है बोलने में आपको। तो वो सब कर लेती कवर, बस थोड़ा राइटिंग में ही आती है उसको प्रॉब्लम हाँ हाँ, तो राइटिंग भी दो जब दिन इच्छा से हो नहीं तो थोड़ा सा कराए, ज्यादा नहीं, पूरा पेज नहीं कराना है, एक लाइन दो लाइन। नहीं मैम हमने ये देखा है कि उसके आगे बुक रख देते हैं और शेप खुद खुद के हाथ से ए भी बहुत अच्छा बनाया उसने, ये नहीं कि कभी सी बना लेती है, जो मन आता है आई बना लिया जे बना लिया, मीन जो बनाओ वो बनाओ बहुत बढ़िया, बना हाँ रही बिल्कुल है उसने सही बात हाँ है, जो बनाओ सो बनाओ। अभी तो मैंने कल मॉन्टेसरी प्रेजेंटेशन भी डाला हुआ है, जो हम लोग का बेसिक स्कूल है मॉन्टेसरी हाँ बेस्ड, वो डाला हुआ है, तो उसमें एक प्रेजेंटेशन है रोल मैट करने का, तो आप उसको कुछ दे देना, अगर चटाई हो या कोई टॉवल हो कड़क सी, तो हाँ वो उसको रोल करेगी तो उसको मजा आएगा करने में। जी। ये फ्रूट्स नेम उसको हिंदी में भी आते हैं इंग्लिश में भी आते हैं और पहचानना भी आता है, कलर्स नेम भी आते हैं उसको हिंदी इंग्लिश में, संडे मंडे भी हिंदी इंग्लिश दोनों में आते हैं उसको, बहुत बॉडी बढ़िया। पार्ट्स नेम भी खुद बता देती है, खुद को हाँ बता देती मम्मी ये लीफ है ये मतलब खुद बता देती है वो नहीं आजकल के ये सब बच्चे बहुत आता है इंटेलिजेंट आ रहे हैं दुनिया में। हाँ वो हमको पढ़ाती घर पे, क्या बाहर खेलना हो हाँ नहीं पाता है तो घर पे मैम अच्छा मैम मैम खेलते हैं तो वो मैम बनती है हमको पढ़ाती है हम बोलते हैं एप्पल नहीं आपने गलत बोला है इसको, ऐसा नहीं ऐसे बोला जाता है अच्छा। हाँ नहीं बेटा बहुत अच्छी है और अच्छा करेगी, बस ये है अपना हाँ दुर्भाग्य कि मिल नहीं पा रहे हैं बच्चे स्कूल में, जो फायदा होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है बच्चों को, लेकिन अगर हाँ बच्चा सीखना चाहता है तो घर बैठ के भी सीख लेते हैं बहुत सारे बच्चे। वो ड्राइंग वगैरह बनाती दिन भर, हम कहते पूरे दिन क्या बनाती हो आप, मैं ना गिफ्ट दूंगी एक तो मेरी क्लास टीचर को दूंगी आपका नाम आता है उसको, प्रिंसिपल सर को दूंगी मैं और एक संतोष सर को दूंगी मैं संतोष अच्छा संतोष सर, सर सर नाम के लेते फोन होंगे आते ना? ना हाँ संतोष सर का भी नाम आता है इनको
तो बस वो फोन आते ही पूछते किसका फोन है पापा, तो कि सर का फोन है। कौन सी सर? कि संतोष सर, मैं उनके लिए भी ड्राइंग बनाऊंगी। हाँ प्रिंसिपल सर का भी आता है उसको। अच्छा, वो जो वीडियोस है ना, मैं उसमें इस टाइप की ड्राइंग दी हुई है लास्ट में, छोटी छोटी की, जो ये लोग खुद कर सकते हैं, खुद बना सकते हैं। तो आप अगर पूरा वीडियो देखोगे ना लास्ट में, अभी रिसेंट की जो वीडियो भेजी है उसमें लास्ट में है छोटी छोटी पिक्चर्स हैं जो कि ये खुद बना सकते हैं, जैसे सॉफ्टी बनाई हुई है, घर बनाया हुआ है। तो ये और भी थोड़ी सी वैरायटी मिल जाएगी, करती तो है ये वो, लेकिन और वैरायटी मिल जाएगी थोड़ा सा उसको। हाँ नहीं, वो हाउस बनवाती ना घर पे, बनवाती मुझसे, और मम्मा लो इस पे कौन सा कलर करना है, ये करना है, वो करना है, पूरे दिन यही चलता है उसका। बढ़िया। और मैंने लास्ट टाइम शायद मैं अपन लोग मिल नहीं पाए थे, लास्ट टाइम मैंने बताया था कि इसी के जो छोटे छोटे या सर के भी जो सॉक्स होते हैं इकट्ठे कर दो और फिर इसको बोलो कि पेयर बनाओ, ठीक है? अच्छा फिर ये पेयर बनाएगी, पेयर बनाने के बाद में एक छोटी सी रस्सी डांग दो उसकी हाइट तक, बोले ये क्लॉथ क्लिप लो और इनको हैंग करो, अच्छा ठीक है, तो अब उसमें कम करवा से कम लेंगे। 5 से 10 15 मिनट तक वो बिजी रहेगी। वो आपने राजमा छोले वाली कराई थी? नहीं मैम वो नहीं करवा पाए हाँ, तो अभी। थोड़े से राजमा थोड़े से छोले मिक्स कर दीजिए कटोरी में, और 2 बोल रख दीजिए, बोले इनको सेपरेट करो, अलग करो। आप तो बहुत अच्छी बच्ची हो ना, देखो कितनी जल्दी कर पाते हो। आराम से एक छोले वाले में छोले रखो, राजमा वाले में राजमा रखो। ये नहीं दो मेरे तीन को वो देखा था एक्टिविटी बी, वो स्मॉल वाला, तो है। हमने हाँ पेंसिल लिए तो शेप का मैं पूछती हूँ उससे, ये कौन सा इसमें से बी है स्मॉल है, तो बता देती है, जैसे तो मम्मा ये हाँ बी है ठीक ये है, स्मॉल है। ये नहीं बता देती वो ठीक है, लेकिन क्या कंसंट्रेशन डेवलप होता है इससे, आप बड़े ध्यान से लगे हुए अलग अलग करने में, है हाँ ना? और फिर आप सॉक्स के पेयर बनाने में लगे हो, बड़े ध्यान से लगे हो, किसी दिन दुनिया से आपको कोई टेंशन नहीं है, फिर आप हाँ उनको हैंग कर रहे हो एक एक करके क्लॉथ क्लिप में, तो इसी के कंसंट्रेशन डेवलप होता है, और हैंड मूवमेंट्स मोटर जो हाँ कोऑर्डिनेशन होता है वो स्ट्रांग होता है। तो ये आप ये 2 एक्टिविटी उसको धीरे धीरे करा दीजिएगा घर में, ठीक है मैम, ओके मैम। ठीक है? और कोई प्रॉब्लम आ रही वीडियो वीडियो में? नहीं नहीं कोई कोई प्रॉब्लम नहीं मैम, सब ठीक चल रहा है? हाँ सब ठीक चल रहा है। अब सर को भी आना होगा। हाँ सर का टाइम हो जाता है ना। देख हाँ इस लॉकडाउन में उसने क्या है, मेरा मोबाइल खराब कर दिया, अच्छा तो अभी हम ले भी नहीं रहे कि अभी घर पर रहती है, तो फिर दिन भर में ये हाँ, लगा दो कार्टून लगा दो, दिन भर सिर्फ वो देखना रहता है उसको, एंगेज अभी क्या रखती हो, पढ़ाई में ध्यान दे रही है, फिर देती नहीं है वो। कोई दिक्कत नहीं है, जितना बस फोर्स नहीं करना, आसानी से जितना सीख लेती है अच्छा है हमारे लिए। आज अभी तक सिर्फ आप ही आए, अभी और कोई पेरेंट्स ने एंट्री मारी नहीं। ठीक है मैम, और कुछ प्रॉब्लम कोई नहीं डिस्कस मैम करना है? नहीं, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं मैम, जी, सर ओके मैम, शायरा मैम। शायरा साई राम सर, साई राम वेलकम हमने भी बैक। तैयारी नहीं। आज आज बिटिया जगी नहीं, देखो। मैम रात में कल गए दिन में सो ली, और रात में हाँ 12-1 बजे सोई है जाकर, अरे बाप रे, वो दिन में इतने नहीं बजे सोती तुम थी मैम जाग गए कि नॉर्मल उसकी, तो फिर आपको भी जगाती होगी, आपको जी, भी जगाती होगी फिर। बिल्कुल। और जिस दिन दिन में सोली तो उस दिन तो मेहमानों रात में 12 बजे, और रात में दिन में नहीं सोई तो 10-10:30 तक सोती है फिर। हाँ, और अपन लोग तो दिन में सो नहीं सकते हैं। तो माने क्या हो गया हमारा टाइम। बहुत अच्छे पेरेंट्स हैं इसका मतलब आप लोग। अरे ठीक है मैं कर दूँ लीव, ठीक ठीक है सर, आइए। ओके सही। ओके सही।
गुड मॉर्निंग रियांश. वो तो मैम सो रहा है. कोई बात नहीं, आप जबरदस्ती उसको लास्ट लास्ट तक उठा ही देते हो. वो खुद उड़ जाता है, जब आवाज आती है तो उड़ जाता है वो. मैम आप लोग कहाँ रहते हैं, गेल में या बाहर? गेल में मैम. गेल में कहाँ पर, फेस वन में फेस टू में? फेस टू में जो न्यू सी टाइप बने हैं ना स्कूल के. हाँ क्योंकि रिकॉग्नाइज नहीं हो पा रहा है हाउस. ये न्यू वाले हैं, न्यू सी टाइप जो बने अभी. ठीक ठीक वो है तो रोज देखते हैं हम. मेरी स्कूल घर से किसी का फोन आता है तो उनको दिखाता, देखो हम मेरी स्कूल कितना पास है, एकदम पास में है. उसको ये लगता है बस ये स्कूल है, इधर से सीधा जाऊंगा मैं. यही सोचा होगा जब वो यहाँ आया होगा कि मेरा स्कूल तो बहुत पास है. पास में सब लोग भी जब आए थे घर से भी सब वो देख के खुश हो रहे थे कि हाँ स्कूल इतना नजदीक है इसका. बिल्कुल सही बात है, नहीं कभी ना कभी तो इसका बेनिफिट मिलेगा. हाँ अगले साल ही हो पाएगा वो तो, इस साल तो मुझे लग ही नहीं है चांस भी. मैम स्कूल खुलने वाले हैं क्या अभी, कुछ सुनने में? नहीं नहीं अभी तो ऐसा कुछ नहीं है, नहीं है ना अभी. अभी तो ऐसा कोई हमारे पास में ऐसा ऑर्डर आया ही नहीं है कुछ ऐसा कि आपको कुछ हम आश्वासन दे सके. नहीं जैसे कुछ कुछ जगहों पे शायद कुछ सर्कुलर आ रहे हैं स्कूल खुलने के लिए, अभी तक तो हम लोग के पास ऐसा नहीं आया है. जब तक एज पर द सीबीएसई रूल्स हमें हर अल्टरनेट डेज पे ये मीटिंग्स करनी है, उन्हीं के ऑर्डर्स पे हम लोग कर रहे हैं. नहीं तो हमें लगता है कि हर दिन परेशान हो रहा है पेरेंट्स, है ना, ऑलरेडी परेशान है. अल्टरनेट डे पे कोई वो भी नहीं होता ना क्या. हाँ कुछ एग्जैक्टली, लेकिन वो है ऑर्डर है वहां से तो हमको करना है तो करना चाहिए. हाँ अभी जैसे आप सेकंड पेरेंट्स हैं, अभी तक कोई ज्यादा पेरेंट्स आए नहीं, पार्टिसिपेट नहीं किए, तो वो चीज़ है. सही बात है, डेली डेली पेरेंट्स का आना थोड़ा सा हो जाता है, मुश्किल हो जाता है. डबल डबल बिजी रहता है ना आदमी. और मैम वीडियो दिखाया कल का? नहीं मैम कल वाला नहीं देखा उसने. कल पहले वो मैजिक क्रेट की जो फन एक्टिविटीज आती है ना मैम जी, जो मैजिक क्रेट करके कुछ एक्साइट है उसकी एक्टिविटीज आती है जी, की एक एक्टिविटी मिलती है तो वो मंगवाई थी तो कल उसी में बिजी था वो. मैजिक पॉट बुक आती है जो? बुक नहीं आती मैम उसमें, ऐसे मतलब एक्टिविटीज आती है जैसे आपको पेड़ मंगवाया है उसमें और आपको सीजन्स बताएंगे तो हर सीजन की ऐसे छोटी छोटी कटिंग्स है उसमें. क्या नाम बताया आपने? मैजिक, मैजिक क्रेट, सी आर ए टी ई, सी आर ए टी ई. यस मैम. तो ये मतलब ऐप है? एक नहीं मैम ऐप वो है, कोई साइट है तो साइट पे आपको. हाँ तो इससे आपको वो एक्टिविटी वाली जो भी है वो मंगानी पड़ती है कि आपका बच्चा कितने साल का है उस हिसाब से आप मंगवा लीजिए. अच्छा, तो इसमें वो था तो अभी आया सीजन्स आए हैं कि 5 सीजन के इसको पेड़ बनाना है, वो एप्पल ट्री है उसको डेकोरेट करना है. अच्छा. और उसी में 5 सीजन में आप किस तरीके से कपड़े पहनते हैं तो 2 छोटे छोटे बच्चों वाली ड्रेस आई है. अरे और खूब सारे तो उसको तैयार करना है. और एक आया स्नोमैन आया है वो बनाइए और छोटी छोटी बॉल्स आई है आप 2 फीट की दूरी पे खड़े होकर उससे खेलिए. तो कल वो उसी में बिजी था पूरा. तो ये मटेरियल आपके पास में आया है? यस मैम. ओके, बाय ऑनलाइन? बाय ऑनलाइन. इसका तो ये उसके लिए इंटरेस्ट ज्यादा हो गया ना उसमें? थोड़ा इंटरेस्टिंग हो गया, उसको बनाना, कपड़े पहनाना, खेलना उसका. बच्चे ज्यादा रहते. बिल्कुल, उसको मटेरियल मिल गया ना वहीं की वहीं, इस वजह से. तो उसमें बिजी था कल तो कल नहीं देखा. हमारे ब्लॉग में किसी की बर्थडे था. अच्छा. हाँ चला गया. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास रिकॉर्ड है, आप जब चाहे तब खाइए. मेरा वॉइस क्लियर नहीं आ रही है. अच्छा, मैं पूछ, बुक का अरेंजमेंट हो सकता है? बुक का अरेंजमेंट सभी पेरेंट्स के लिए नहीं हो जाएगा ना, एक दो पेरेंट्स के लिए तो चलो करवा देंगे, लेकिन फिर सबका क्या होगा?
जैसे मैम गेट के हैं तो आप किसी एक बंदे को दे दीजिए और वो जैसे ऑफिस में किसी बंदे को कोई भी लड़का जो काम कर रहा होगा उसको लगा देगा तो सबको गेल में बांट देगा, और जो नॉन गेल वाले उनका एक दिन करके वो आके स्कूल से लेके कलेक्ट करने मैम तो चलिए कोशिश करते हैं सर से प्रिंसिपल सर से बात करने की। फोन में तो इनका अपने वीडियो चल जाते हैं थोड़ी देर में। दो तीन पेरेंट्स ने और भी बोला था, अगर ऐसा है तो फिर हम कोशिश करते हैं सर से बात करने की। यूकेजी वालों के पास तो लास्ट ईयर उनको मिल चुकी थी, अब सिर्फ एलकेजी वालों को देते हैं। तो अगर एलकेजी वाले जितने भी बच्चे हैं 60 बच्चे हैं दोनों ये भी सेक्शन में मिला के 60-70 बच्चे हैं, तो अगर पॉसिबल होगा बस वही सर ही कहेंगे 60-70 पेरेंट्स के किसके किसके घर जाएंगे देने के लिए। नहीं नहीं जैसे मैम गेल में आप किसी भी जैसे मैंने इनको बोला था, उन्होंने बोला कि मैं एक बार कलेक्ट कर लूंगी और मैं ऑफिस में किसी बंदे को लगा दूंगा कि वो सबके घर में दे देगा गेल। अच्छा गेल वालों चलिए मैं प्रिंसिपल सर से बात करती हूँ, अगर कुछ पॉसिबिलिटी होगी तो डेफिनेटली मैं भेज दूंगी। ठीक है ना? यस सायरा बोलो। हेलो रियाश। हेलो हाउ आर यू, कैसे हैं? फाइन फाइन। हु विल आस्क मी? Ask about me also, यार। अब बताओ मैम, तो कल आपने एक्टिविटी की थी ना? नहीं नहीं आप बोलो। मैम वॉइस क्लियर नहीं आ रही है आपकी, वॉइस क्लियर नहीं है। मैम कल एक्टिविटी दी थी ना आपने वो रोल करने के लिए? मैंने रोल करी थी खुद। अच्छा लगा? दिखाओ। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो उसको एक्टिविटीज करने में ज्यादा मजा आता है ना? हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया है यार, एक्सीलेंट। थोड़ा और पीछे हो, ऐसे नहीं रोल करना, ऐसे नहीं। हाँ आप करो करो, फोल्ड करो, अभी रोल करके दिखाओ मैम को। यस रोल करो आप उसे धीरे 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 धीरे, एक साथ पूरा कर दिया। एक बार और वीडियो देखो फिर से रियाज। अब अपन देखेंगे, एक बार और देख ला वीडियो। ठीक है ओके मैम। गुड बॉय गुड बॉय, लुकिंग स्मार्ट। या थैंक यू बोलो। देखो आपको एक फ्रेंड दिख रहा है यहाँ पे, हर्षवर्धन, उसको बोलो हाय हर्षवर्धन। हाय कैसे, पूछो हाउ आर यू हर्षवर्धन। मैम श्रीजीता कहाँ है, सो रही है? देखो कितना अच्छा कर रहा है बच्चा, इसे फीस मत करो। सो रही है, मम्मी पापा जाग गए, मुझे सो रही है। हाँ दीदी की भी क्लास चल रही है ना? हाँ तो अच्छा है जितनी देर सोती रहे। और मैम कैसे हैं? बस ठीक ठाक है मैम, थोड़ा कुछ दिन पहले थोड़ा आ सकती है, अभी कभी ठीक है। और वीडियो वगैरह में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है ना? नहीं आ रही है मैम, बस यही है कि बच्ची को ना मैं जबरदस्ती कर रहा हूं। बाय बाय मैम। एक्चुअली मुझे ना हाय बेटा, हाय हाय साईराम करो, अब तुम बोलो गुड मॉर्निंग, बोलो बेटा। मैम आपकी इंग्लिश मैम मुझसे ऐसा ही होता है, वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। वॉइस क्लियर नहीं आ रही है?
आप सुनाई दे रहे हैं मैम? हाँ मैम अभी ठीक है, अभी क्लियर हुआ। हाँ बोलिए। थोड़ा ये करना पड़ता है, शुरू तो ठीक ठाक होती है देखने की, फिर भाग जाती है। इसे देखने के बाद भाग जाती है। अच्छा अच्छा, उसको नेक्स्ट मीटिंग में बोलेंगे, मैं मिलना चाहती हूं आपसे। ओके मैम, अगला मीटिंग में मैं उसको लेके आऊंगी। हां बहुत दिन हो गए उसको देखा नहीं है। हां एक्चुअली मैम क्या है ना, उसको इच्छा करके जगाती नहीं हूं, नहीं तो बस दीदी के पास चली जाती है। एग्जैक्टली। और फिर क्लास में डिस्टरबेंस होती है, सब लोग मतलब अच्छा भी नहीं लगता है हमें भी। अच्छा भी नहीं, अच्छा भी नहीं, इसलिए मैं चाहती हूं कि थोड़ा सा सो जाए, कम से कम एक क्लास कंप्लीट हो जाए। एक क्लास कंप्लीट हो जाए बिल्कुल। ये वाली प्रॉब्लम ज्यादातर है जहाँ पे दो बच्चे हैं, वहाँ पर ये प्रॉब्लम है। लोगों का स्टेज ऐसा है कि आप समझा नहीं सकते हैं। हाँ बिल्कुल सही बात है, अपन को भी समझना होगा। और थोड़ा जबरदस्ती करूंगी तो अब रोने लगती है, तो और ज्यादा नॉइस क्रिएट हो जाती है। और सुबह इस टाइम में हम उसको लेके बाहर भी नहीं जा पा रहे। नहीं बात बिल्कुल सही, वेदर भी अभी ठीक नहीं है। वेदर भी नहीं है और इनके पापा के चिल्ड्रन शिफ्ट में है, तो मुझे भी घर में ही रहना पड़ता है। हमें देखना अच्छा लग रहा है, हम जाते वो भी देखे, पर वो थोड़ा देखती है फिर भाग जाती है। कोई बात नहीं, बीच में थोड़ा थोड़ा सा ब्रेक दे देके भी दिखा देंगे तो चलेगा। लास्ट में कुछ एक्टिविटीज में देती हूँ उसको, थोड़ा सा इंटरेस्ट के साथ करा दीजिएगा। अभी एक नई एक्टिविटी मैंने पेरेंट्स को इंट्रोड्यूस किया था, शायद लास्ट मीटिंग में नहीं थे। जैसे घर के जितने भी लोगों के शौक से सबको इकट्ठे कर दीजिए और फिर ठीक है, फिर उनके पेयर बनवाइए, उनके पेयर बनवाइए है ना, और फिर उसकी जो हाइट के हिसाब से एक रस्सी रोप लगा दीजिए और क्लॉथ क्लिप देके बोले इसको पेयर के अकॉर्डिंग हैंग करो। अच्छा, तो उससे कंसंट्रेशन थोड़ी देर के लिए 10 से 5 मिनट के लिए बिजी रहेगी कंसंट्रेशन थोड़ा सा, और मोटर हैंड कोऑर्डिनेशन जो है डेवलप होगा थोड़ा सा। तो ये वाली एक्टिविटी धीरे धीरे पेरेंट्स को बताती जा रही हूँ, थोड़ा सा जो घर में है सामान उसके साथ में बच्चे को हम कैसे एंगेज रख सकते हैं, है ना। तो वो अगर करवा सके तो देख लीजिएगा अपने हिसाब से। ठीक है, वो तो करेगी करेगी। और वो राजमा छोले वाली दिया था वो किया उसने? हाँ राजमा छोले वाली, वो थोड़ा सा टाइम, वो तो एकदम किया नहीं, वो नहीं, हाँ बस थोड़ा टाइम करती है। हाँ पहले आप करेंगे ना तब वो करेगी। हाँ जैसे मैं एक मेरे साथ तो हर रोज एक खेल है, जैसे मैं आटा गूंथती हूँ ना जब, तो मैं बड़ा बड़ा छोटा छोटा कर देती हूँ, मतलब कौन सा बिग है कौन सा स्मॉल है ये सब वो करती है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आटा को लंबा लंबा कर देते हैं, तो इसमें से लॉन्ग शॉर्ट ये भी पता चल गया कौन सा लॉन्ग किसको, एक्सीलेंट, शॉर्ट किसको कहते हैं। एक्सीलेंट बहुत बढ़िया। आटा थोड़ा मम्मी से लेते हैं, उसको मजा आता है, थोड़ा सा आटा लूंगी मैं, तो आटा से खेल जाते। जी मैम वो लिख नहीं पा रही थी अच्छी से, जी तो जी मैम वो आटा से ही सीखी है, आटा को कार करके, आटा को छोटा छोटा कटिंग करके, तो आटा से जी आप बढ़िया सीख गई। बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैम आप खुद ही इतने क्रिएटिव है कि बच्चा कैसे नहीं सीखेगा। बहुत बढ़िया है, अच्छी अच्छी बात है। अभी मैंने एक और एक्टिविटी मैंने सोचा था कि वो आटा की जैसे मैं चपाती जैसे बना ले, फिर उसमें कुछ इम्प्रेशन किसी भी चीज का। अच्छा। तो जैसे आटे में अपन ने टर्मिक पाउडर मिला दी तो येलो कलर का हो गया। हाँ। अब उसमें जैसे की का इम्प्रेशन देना है, हाथ का इम्प्रेशन देना है। अच्छा। इनके जैसे एक अगर इनके पास में कोई टॉयज है तो एक का इम्प्रेशन दे दिया अपन ने फोर्स करके उसको, तो उसमें भी उनको बहुत मजा आएगा, है ना। किसी भी चीज का इम्प्रेशन दे देंगे, वो आटा उन्हीं के नाम का हो गया, फुट का भी दे सकते हैं, पैर का, और उसको ड्राई करके कलर कर दिया, उसको अपना बढ़िया से वो क्रेक करवा लिया, तो इस टाइप से क्ले में हो सकता है, आटे में हो सकता है, ये सारी चीजें ये यू कैन डू दिस थिंग। और कुछ मैम? बस बाकी तो मैम बढ़िया चल रही है, सब कुछ ठीक है, सब बढ़िया चल रहा है। अभी नंबर्स दे दिए हैं, नंबर्स भी करा रहे हैं, नंबर्स का वीडियो भेजना शुरू कर दिया है। अच्छा, है ना। वैसे हमें मालूम है कि पेरेंट्स बहुत आगे जा चुके हैं तो बहुत पीछे हैं, लेकिन ये कि समझ नहीं आ रहा क्या क्या करना है। तो एट ए टाइम आप इनको बहुत सारा देंगे, स्कूल में चार घंटे रहते थे तो स्कूल में चार घंटे में बहुत सारी चीजें कवर हो जाती थी।
ना, अब यहाँ पे क्या है मैम, बच्ची खुद एक करती है तो देखने को बहुत सारा मिल जाता है। हाँ, एक्सपोजर होता है ना बच्चे का, ये फ्रेंड हो कर रहा है, फ्रेंड हो कर रहा है, इसमें बहुत मतलब ग्रुप एक्टिविटी बहुत ये काम करता है। हाँ, अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि वो ही हमारे पास में 20 मिनट में हमको क्या क्या दे और कितना मतलब एक ही चीज दे सकते हैं तो वो उतना ही दे पाते हैं। ठीक है मैम, जितना हो जाए ठीक है, बच्चे की लर्निंग होनी चाहिए इस एज में, आगे 3.5 और 4 के बीच में उसकी जितनी लर्निंग होनी चाहिए, अपना पर्पस ये कि उतनी लर्निंग उसकी हो जाए, है ना। और फिर जब भी ठीक ठाक हो जाए तो बच्चे को बेनिफिट आप दिखाई नहीं दे रहे बेटा, क्यों नहीं बोले बेटा अर्शु? मैम इसका वीडियो दिखाई नहीं दे रहा, हेलो हेलो हर्षवर्धन। हाँ मैम, ये कोई बात नहीं कर रहा आज बात नहीं करनी बेटा, आपकी कल इसने वीडियो देखी थी मैट वाली, वो इसे बहुत अच्छी लगी है, एक्टिविटी करना उसे अच्छा लगता है, तो बोल रहा था मैम मेरे लिए ढूंढ के दो, मैं ना मैं भी ऐसे ही करूंगा रोल। हाँ, फिर आपने इसको हाँ दी थी पर उससे सही से नहीं हुई, कोई बात नहीं, दोबारा जब वीडियो देखेगा ना तो फिर अच्छे से करने लगेगा। हाँ, कोई छोटा सा भी जैसे हार्ड टॉवल वगैरह होती है ना, थोड़ी सी टॉवल, हाँ टॉवल वगैरह दे दीजिए, या घर में कोई चटाई वगैरह हो कुछ ऐसा। हाँ, वैसे वो एक्टिविटी करना और वो हैंड था वो आपने बनवाया था, वो बोल रहा मम्मी इसका कलर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है करने में। हाँ, तो का? वो जो हैंड का आपने बताया था ना, जो फ्लावर वाला, हाँ फ्लावर वाला, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। और जो अभी आप जो दूसरे पेरेंट्स को बता रहे थे आटे वगैरह का ये कुछ हाँ, कुछ हाँ, वैसे हाँ, इसको ये चीजें बहुत पसंद है कुछ बनाना, कुछ एक्टिविटी इसको करा सकते हैं। मुझे दे दो आप तो हाँ, और पेयर बना लिया था। हाँ, ये चीज बहुत अच्छी लगती है तो अच्छा है ना, ये स्कूल ही एक्चुअली में जो मॉन्टेसरी बेस्ड स्कूल है इसमें यही चीज है कि खेल 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 में बच्चा कैसे सीख जाए। हाँ, वो मेरे साथ भी जाता है, कपड़े डाल खुद ही डालने लगता है, मतलब मम्मी मैं ही लगाऊंगा। गुड मॉर्निंग बेटा, 2 मिनट में बात करती हूं, अच्छे 2 मिनट में बात करूंगी आपसे। हां अच्छे, अब आप बात करो, अभी बात करते 2 मिनट में बेटा, अब आप करो बेटा। हां करो ना, एक बार बोलो गुड मॉर्निंग, बोलो अब बोलना है, बात करनी है बेटू, करो एक बार बोल दो बेटा। देखो उस दिन तो आपने बात की थी ना, अच्छा ऐसा करना थोड़ी देर में अपनी पेंटिंग दिखाना मुझको, आपने जो बनाया है ठीक है, लेकर आओ जाओ, पागल हो रहा है दिखाने के लिए मैम को। अच्छे गुड मॉर्निंग, सीधा करो सीधा करो, वाओ ब्यूटीफुल, वेरी नाइस यार, यू हैव मेड इट एज इट इज, एज इट इज जस्ट लाइक मी, वेरी गुड, क्लैपिंग करो, क्लैपिंग करो, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और रोल दिखाने के लिए पहले नोटबुक लेके आ गया दिखाने के लिए, क्या मैम को दिखाना है। अच्छा बच्चा है, गुड बॉय है। अगले दिन वो दूसरा बच्चा दिखाया था ना, तो उसको थोड़ा इंटरेस्ट है कि मैं भी दिखाऊंगा, मैं भी दिखाऊं, सही बात है, मेहनत करते हो तो दिखाना भी चाहिए। हाँ बहुत बढ़िया है ना, अच्छा है। और रोल भी किया सुबह, मैं रोल किया था। अब मैं और वो राइम्स भी डाली थी मैंने, कौन सी वाली थी, अच्छे बादल स्काई के दिखाए थे, कोई बात नहीं, इसीलिए मैंने बोला उसको बार बार देखना है, बार बार याद करना है, तो आपको याद हो जाएगी है ना।
अब यही करेंगे मैम, एक मॉन्टेसरी का प्रेजेंटेशन और एक राइम, तो जिससे आपके पास में राइम की सुरताल पहुंच जाएंगे तो आप लोग सिखा सकते हो। और एक अपन ने जब व्हाट्सएप क्लास चल रही थी तो वो सिखा था पेड़ लगाओ ऐसा झिलमिल तार है ना, तो वो वाली हो जाएगी। धीरे धीरे कोशिश तो कर रहे हैं, अब देखते हैं कितना सक्सेस हो पाते हैं। याद है बाबू रेड लाइट बता दो मैम को, रेड लाइट रेड लाइट क्या कह रहा था? जोश बता अच्छे तो मतलब अच्छे की रिवीजन चलता रहता है बीच बीच में है ना? जी 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 बहुत बढ़िया। और कुछ अच्छे है, और कुछ बात करनी है बेटा? और क्या बोल रहा है मैम से? और कुछ नहीं। और तुमने वो मैट रोल किया था? वो तो मैं बोलूंगी, आप तो बोल दिया। और अच्छा मैंने बोल दिया। आपने बोल दिया ना, बराबर हो गया, कोई भी बोले हाँ। एक जन को मिलता है। अच्छा, जो काम एक बार करता है वो दूसरे बार करने को परेशानी लगता है उसको। हाँ अपनी यो योगा मैट भी अच्छी रहती है फोल्ड करने के लिए बच्चों को, हम दे सकते हैं ना, वो बेस्ट रहती है। सही बात है। ऐसे वो छोटा वाला जो चटिया है उसमें किया था। हाँ वाला कहाँ पे रखा है ढूंढना पड़ेगा फिर, कहाँ रखा है। ठीक है, छोटा बड़े में क्या कि लंबे समय तक थोड़ा सा प्रॉब्लम जाती है उसको करने में, छोटे में हाल फोल्ड हो जाता है वो इमीडिएटली फोल्ड हो जाता है, तो उसको आसानी रहती है बच्चे का, क्योंकि बच्चे को लंबे समय तक कंसंट्रेशन करना थोड़ा सा मुश्किल पड़ता है, तो छोटी चीज रहती है तो जल्दी काम उनका कंप्लीट, उनको लगता है ना कितनी जल्दी काम कंप्लीट हो जाए, पेशेंस कम रहता है। इसीलिए जब भी राइटिंग कराते हैं तो ज्यादा नहीं कराते हम लोग, हाफ पेज, फोर लाइन, सिक्स लाइन, इससे ज्यादा नहीं कराते हैं, उसके बाद में फिर वो राइटिंग खराब करना शुरू कर देते हैं। इसलिए ज्यादा से ज्यादा फोर लाइन या सिक्स लाइन पर ही हम लोग जब स्कूल में कराते हैं तो उससे ज्यादा हम नहीं देते हैं, फिर नेक्स्ट टाइम आते हैं तो फिर पुराना और नया मिक्स करके फिर थोड़ा थोड़ा सा दे देते हैं, तो उससे कह रहे थे कि रिवीजन भी होता रहता है और इन लोग को रहता है बस सिक्स लाइन ही तो लिखना है, फटाफट लिखेंगे खेलने चले जाएंगे, तो मॉन्टेसरी मटेरियल पीछे रखा रहता है तो उसको उन्होंने उठाया अपनी वर्क मैट बिछाया और उस पर खेलना शुरू हो जाता है। बस चल रहा है और साउंड तो सीख ही रहा है। हाँ ठीक है, अभी तक बुक्स में से कितनी राइम्स कवर हो गई मैम, कुछ अंदाजा है? नहीं ऐसे कुछ नहीं सीखा, बस जो व्हाट्सएप में भेजे थे वो रेड लाइट या तो पेड़ लगाओ हिंदी जो कविता, तो इस सारे हम लोग जो भेज रहे हैं एटलीस्ट मेरे ख्याल से 5 to 6 राइम्स कवर हो गई है बुक्स की। जी 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 हाँ, लेकिन जो छोटी छोटी राइम्स है वो एलकेजी के लिए, बड़ी राइम्स जबरदस्ती में याद मत कराइएगा अभी, बड़ी राइम्स यूकेजी के लिए है क्योंकि अभी उनका इतना डेवलपमेंट नहीं है। अच्छा, दो साल की वो की बुक्स है? 2 साल के लिए है वो बुक। अच्छा, एक क्लास में मिलती है एलकेजी में, उसको उनको यूकेजी तक ले जाना होता है। तो यही सोच रही थी कि इतना बड़ा बुक एक साल में हो जाएगी इस बच्चे को, तो नहीं एलकेजी एंड यूकेजी फॉर बोथ क्लास। अगर अभी भी ये बच्चे आते हैं ना तो इनको सिर्फ एलकेजी वालों को ही मिलती, क्योंकि यूकेजी वालों को तो लास्ट ईयर मिल चुकी है तो उनको बुक नहीं मिलती, ये तो पीडीएफ था तो इसलिए भेज दिया चारों क्लासेस में। नहीं भेज दिया बहुत मतलब अच्छा है कि हम लोग भी घर पे देख सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और कुछ बेटा अच्छा है, कुछ और बात करनी है? और कुछ नहीं। और कुछ नहीं, लिखते हो एबीसीडी? एबीसीडी लिखते हो? लिखता हूँ। लिखते हो? हाँ। बता दो एक बार एबीसीडी ईएफजी। कोई बात नहीं। अच्छा ये बता दो, अच्छा अच्छा ना टी शर्ट किस कलर की पहनी हुई है? येलो कलर का। वाह, और मम्मा का कुर्ता किस कलर का है? ग्रीन कलर का। हाँ वेरी गुड, वेरी गुड, गुड बॉय।
ठीक है मैम, उसको बहुत पहले से कलर आ गया, कलर और एबीसीडी पहले लिखना शुरू कर दिया था। नहीं बढ़िया है ना, बच्चे जितना जितना इस एज में उनकी लर्निंग होनी चाहिए वो हो जाए तो हमारे लिए बेहतर रहता है, नहीं तो फिर आगे कैरी फॉरवर्ड करना पड़ती है चीजों को। बढ़िया, बहुत दिक्कत है, नहीं कोई भी नया चीज उसको बताने में बहुत दिक्कत है। नहीं दिक्कत नहीं है, अपनी अपनी लर्निंग टाइमिंग रहती है सबकी, कुछ बच्चे टाइम ज्यादा लेते हैं कुछ जल्दी। और सबसे ज्यादा दिक्कत यही हो रहा है कि हम लोग बंगाली में, जैसे बंगाली हमारी मतलब हमारा टंग है बंगाली, तो हमें थोड़ा उसको सिखाने में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है हिंदी। ठीक है मैम, टाइम लगेगा लेकिन सीख जाएगा, और स्कूल आता तो थोड़ा और जल्दी सीख जाता। हाँ हाँ, बस ये प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं है, जब आएंगे तब सीखेंगे, और आप तो जितना है सिखा ही रहे हैं, है ना। मतलब थोड़ा वो बोलने में थोड़ा दिक्कत है, लिखने में तो दिक्कत नहीं है कोई भी, लेकिन बोलने में थोड़ा दिक्कत है। कोई बात नहीं, धीरे धीरे सीख जाएंगे। आप घर पे थोड़ा सा हिंदी यूज किया करें। हिंदी तो बात करता हूँ उसके साथ, लेकिन फिर भी मतलब जब पढ़ाई के बाद आता है तब थोड़ा दिक्कत होता है। जैसे हम एक बोले, हमारे हस्बैंड और एक बोले, और बच्चे ने सुन के और एक बोला। चलता रहता है। चलिए मैम, दूसरे पेरेंट्स आगे मैं उनसे बात कर लूँ। साईराम, ठीक है ठीक, साईराम मैम, हेलो मैम, बाय बाय, कैसे हैं मैम? मैम अच्छी हूँ, गुड मॉर्निंग। हमारा स्टूडेंट मैम, स्टूडेंट तो नहीं उठा है अभी, मैंने भी आपका नोटिस अभी देखा कुछ देर पहले। हाँ काफी लेट लाइट डिलीवर था, शायद पौने एक बजे का था, अभी देखा मैंने। नहीं 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 नहीं, अच्छा कुछ पता नहीं, कुछ प्रॉब्लम थी शायद। हाँ डिलीवर तो मैंने कर दी थी मैम 8:30। हाँ मैम अभी 12:38 का दिखा रहा था, फिर मैंने अभी अभी जल्दी सब कर, हो सकता है नेट प्रॉब्लम वगैरह कुछ ऐसा रहा हो। हाँ और आप बताइए, हो सकता सवाल ही नहीं इतने, हम तो गुड नाइट स्वीट ड्रीमर रहते हैं इस समय तो। बाकी मैम वीडियोस अच्छी हैं, वीडियो तो अभी मैं उसका टीवी में अटैच कर देती हूँ तो अपना वो देख लेता है, बच्चा इंटरेस्ट भी ले रहे हैं। बड़ा बड़ा हो जाता होगा, बड़ा हो जाता है फिर वो अपने मन से, मतलब मोबाइल में तो कुछ भी देखने लगते हैं फिर तो, अब उसका फोकस रहता है। हाँ और बनाता भी, अल्फाबेट भी बनाता है साथ में, मतलब जैसे उसको स्पेल करते हैं तो वो बनाता भी है फिर। अच्छा है, पहले तो उसने मुझे खूब रिंग किया, खूब मैसेज किए। हाँ अरे मैं वो आपका नंबर भी उसको याद है, सब याद है, उसका मन होगा तो कभी पता नहीं अगर लगा भी ले तो कोई बड़ी बात नहीं है। पहले फोन से मतलब बहुत ज्यादा एडिक्शन है फोन का उसको। नहीं आपने टीवी में अटैच करके बहुत बढ़िया किया ये वाला काम। हाँ। को जो जो देखना है वही देखेगा, वही जो हम दिखाना चाहेंगे वही देखेगा, बस ये बहुत बढ़िया अच्छा किया। बहुत फास्ट भी की, बहुत बढ़िया। अब मैं सेकंड एक्टिविटी बता रही हूँ आपको, उसके जो छोटे छोटे जो सॉक्स होंगे उनको क्लीन करके धोने को भी रखे हो, उस सबको मिक्स करके दे दीजिए सफल करके, फिर उसको बोलिए इनके पेयर बनाओ। ठीक है ठीक है ठीक है, पेयर बनाएगा, पेयर बनाने के बाद में वो उसको उसी के लेवल पे एक रोप को हैंग कर दीजिए। ओके, रोप को बांध दीजिए और फिर बोलिए इनको पेयर के अकॉर्डिंग उनको आप क्लॉथ क्लिप से हैंग करो। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, भैया के और इसके दोनों के मिक्स हो जाएंगे तो क्वांटिटी ज्यादा हो जाएगी। हाँ हाँ हाँ, है ना, तो देख लीजिए या इसी के दे दीजिए जैसा भी आपको सुटेबल लगे। हाँ हाँ, तो एक थोड़ा सा ये कम से कम 5-10 मिनट की एक्टिविटी इनकी हो जाएगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक है मैम, बिल्कुल। और कुछ मैम? नहीं मैम सब अच्छा चल रहा है, इंटरेस्ट भी ले रहा है वो, अभी सीख रहा है। अच्छा लगता है आप लोगों से बात करके। हाँ। और ये जो एप्रिशिएशन मिलता है तो सबसे ज्यादा रहता है, क्योंकि मैम इसमें बहुत टाइम लगता है हम लोगों को बनाने में, ढूंढने में, सब कुछ करने में। आप लोग एफर्ट्स दिखाई देते हैं वीडियोस में, बिल्कुल। सब लोग चले गए, लग रहा है मैं ही सबसे लास्ट हूँ। मेरे पास मुश्किल से अब 2 मिनट्स बचे हैं, सो आई हैव टू टॉक टू अदर पेरेंट्स। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है मैम, ठीक है, ओके मैम, थैंक यू, ओके मैम, साइन। देवासिता गुड मॉर्निंग, देवासिता साइरा मैम गुड मॉर्निंग सर, मैम देवासिता मॉर्निंग स्लीपिंग मैम, शी इज स्लीपिंग मैम। ओके मैम वो आपका ऑल इज गुड मैम, वो मुझे वाला जो एक्टिविटी जी बोले थे वो किया उसने था, वेरी गुड सर, और बढ़िया, और लड़का भी किया अच्छा किया, वेरी गुड सर, एक्टिविटी बहुत पसंद है उसको, कर लेते हैं, बहुत बढ़िया सर। इसीलिए मैंने बताया कि जो आप करवा सकते हैं घर में, जो आपको आसानी से चीजें मिल जाए,
उसमें हम करवा सके, है ना, थोड़ा सा और कुछ से? एनी अदर थिंग से? वो नो मैम, नो मैम, उसके मम्मी के साथ वो एक्टिविटी करती रहती है, मम्मी अच्छा ठीक से करती है, आज का दो भी करती रहती है। गुड सर, गुड, दिस इज गुड फॉर अस सर, दिस इज गुड फॉर अस। यस यस मैम, ठीक है। साइड 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 मैम, बोलो साइड मैम। सौम्या, सौम्या गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग, आप लेट हो गए बेटा आज, उठने में लेट हो गए, उठने में लेट हो रहा है, चटर पटर। तो साईराम मैम बोलो। साईराम, साईराम बेटा, साईराम। और वीडियो देखा बेटा ने? कौन सा वीडियो देखा था आपने बोलो? रोल वाला, रोल वाला, रोल वाला, मैट रोल किया था। अच्छा लगा? कैसा लगा? अच्छा लगा। ओके, और वो कौन बनाया, आइसक्रीम बनाया आपने? कोई बात नहीं, आज देख लेना, अब तो दो दिन की छुट्टी है, ठीक है, सैटरडे संडे आराम से देख लेना, ठीक है। ओके, लव यू बेटा, अच्छे से रहिए, अपना ध्यान रखिए। मैम कुछ और बात करना है? नो मैम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ ठीक चल रहा है। जी मैम, अच्छे से कर रही हूँ, ठीक है। और कुछ? कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छे से। रात को वो मैट रोल देखा तो अभी करना है वो मेरे को। अच्छा, मुझे रोल बनाना ही है अभी। तो फिर किस, क्या दिया था आपने इसको? क्या तो मैट ही दी थी, मैट थी, बस मैट दी ना बिछाने की, तो यही दे दो आप तो मेरे को इसको रोल करूंगी अभी। बहुत बढ़िया, चलो मेरा मेरा काम मतलब सक्सेसफुल रहा। ऐसे पापा ने वीडियो दिखाई ना, मैम बात कर रही है तो देखा रोल बना रही है मैम, तो मुझे बस अभी रोल बनाना है, यही वाली एक्टिविटी करनी है। सॉक्स वाली एक्टिविटी करवाओ मम्मा, सॉक्स वाली एक्टिविटी करवाओ, ऐसे बोल रही थी। वो भी हो गई? हाँ वो भी कंप्लीट हो गई। बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट, दोनों एक्टिविटी कर चुकी है, वो तो बार बार करती रहती है। सॉक्स वाली एक्टिविटी में कितना टाइम लिया इसने? 20 मिनट लिए थे आराम से करने। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वो जाती है ना पर मम्मा के साथ कपड़े हेल्प करवाती है ना, इसलिए उसने सॉक्स वाली आराम से कर ली, क्लिप लगाना। नहीं, सॉक्स में पेयर बना रहे होते हैं ना, और क्या। चलिए मैम, और कुछ बात करनी है आपको? नहीं कोई बात, ठीक है मैम, तो ठीक है। साईराम, साईराम, साईराम।